थाना एमपी नगर में एक बार फिर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया। राजधानी भोपाल में नहीं रुक रहा आतंक, जहां नहीं है लोगों को पुलिस का भय। चाहे वो गुंडा हो या बदमाश या भू माफिया, पुलिस कमिश्नरेट लागू होने पर अपराधों को दिया जा रहा है बढ़ावा, जिसमें नहीं लग रहा है अपराधों पर लगाम। पुलिस को नहीं मिल रही है छूट, आखिर क्या करें? पुलिस के अधिकारियों ने बांध रखे हैं हाथ, कहीं पुलिस के हाथ तो कहीं पत्रकार पर आए दिन हमले होना आम बात है। वैसा ही मामला थाना एमपी नगर में आया है, जहां लाल बस में सफर के दौरान मारपीट और गाली गलौज और प्राण घातक हमला करने का मामला सामने आया है। जहां बीते दिन बोर्ड ऑफिस चौराहे पर नितिन साहू के ऊपर हमला किया गया, वहीं सवारी सुनील पीड़ित की शिकायत पर धारा 308, 294, 330, 506 का मामला अज्ञात आरोपी पर दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एडिशनल डीसीपी महावीर सिंह मुजाल्दे का कहना है कि बस में लगे सीसीटीवी के माध्यम से आरोपी का पता लगाया जा रहा है, जल्द ही आरोपी पकड़ा जाएगा। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। सर था ना एमपी नगर क्षेत्र में मारपीट का मामला सामने आया, बता रहा कोई नुकीली चीज़ है महाराज ये आपका जो रेड बस है उसके ड्राइवर की तरफ से एक रिपोर्टिंग हुआ है एमपी नगर थाने में। उससे ये शक हुआ था कि कोई जेब कपड़े सड़े हैं, उसकी गतिविधियां ऐसी असामान्य लग रही थी, तो उसने उसको टोका था कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है। तो उस टोका टोकी से फिर वो बाद में जब एमपी नगर नाइस ब्यूटी के आगे आके उतरा है, तो उसमें उतरते वक्त तो कोई नुकीली चीज मार दी और उसी पर से थाना एमपी नगर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। देखिए अभी अज्ञात के खिलाफ है, बट हमारे पास बहुत सारे फुटेजेस उपलब्ध है जो आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि बस के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आइडेंटिफाइड है, बट नाम नहीं पता है, तो अभी अज्ञात के खिलाफ।